गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप अपनी बात कर्ली कैसे कर सकते हो बिना कोई हीटिंग टूल्स यूज किए हुए। एंड आप अभी देख सकते हो मेरे बाल सुपर स्ट्रेट है एंड थोड़े से वेवी है। इसके बाद आप मेरे बाल एकदम सुपर कर्ली देखोगे। एंड ये जो प्रोसेस हम करने वाले है वो ओवरनाइट प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ एक बार अपने बाल टाइल कर लेने हैं एंड पूरी रात आपके बाल कर्ल होते जाएंगे एंड देन मॉर्निंग में आपके बाल कर्ली हो जाएंगे। सो वैसे तो मुझे कर्ली है ज्यादा नहीं पसंद, नॉर्मल थोड़े से वेवी हो गए, एक्सट्रीम कर्ली आई डोंट लाइक। सो आई एम हैप्पी विद माई स्ट्रेट हेयर्स। बट ये वीडियो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि आप हीटिंग टूल्स यूज ना करके आप घर पे ही ओवरनाइट अपने हेयर्स कर्ल कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपने बाल को गीले कर लीजिए, टैप कर लीजिए वाटर से, या फिर आप स्प्रेइंग वाटर लेके वाटर स्प्रे भी कर सकते हो अपने हेयर पे। सो मैं यहाँ पर थोड़े से मेरे बाल थोड़े से गीले हैं बिकॉज अभी अभी मैंने वॉश किया है मेरे हेयर। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक इस तरह से टी शर्ट ले लेनी है। ओके, सो टी शर्ट लेने के बाद आपके जो ये टी शर्ट के हैंड्स है इन्हें आपको अंदर डाल लेना है कुछ इस तरह से एंड देन इसे इस तरह से रोटेट कर देना है। रोटेट करके कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड देन आप इसे और रोटेट कर लीजिए, लाइक एकदम मोड़ दीजिए इसे। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसको मोड़ दूंगी। सो हम यहाँ पर टी शर्ट से अपने हेयर कर्ल करने वाले हैं। सो इस तरह से कुछ ये हो जाएगा एंड देन आपको इसे इस तरह से कर लेना है। एंड ओह माय गॉड, वेरी जबरदस्त, सॉरी। सो इस तरह से कोई एक रबर बैंड ले लेना है आपको एंड देन इसे टाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे टाई कर लिया है। सो गाइस, टी शर्ट यूज करने का बहुत ही अच्छा फायदा है बिकॉज टी शर्ट के जो अगर जितनी टी शर्ट आपकी कॉटन का कपड़ा रहेगा या फिर सिलिकॉन रहेगा तो वो सही नहीं होगा। बट आप ट्राई कीजिए कि आप कॉटन के कपड़े ले, बिकॉज जब हम उसे फोल्ड कर लेते तो एकदम थिकर हो जाते हैं वो, तो इससे आपके एकदम वेवी कर्ल्स आएंगे। सो जितना आप जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उनका ये वाला सेक्शन अगर ब्रॉड है तो आपके जो कर्ल्स है वो बहुत वेवी होंगे एंड एक्सट्रीम कर्ल नहीं होंगे बट थोड़े से वेवी हो जाएंगे, बट सुपर कर्ल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने टैप कर लिया है एंड अगर आपने ये बना लिया है तो आप अपने बालों को टैप कर लीजिए। नाउ मैंने टैप कर लिया है पहले से ही, सो मैं इसे पार्टीशन कर लूंगी अपने हेयर्स की। ओके, सो पार्टीशन करने के बाद आप जस्ट एक बार कोम कर लीजिए अपने हेयर्स को। सो इससे क्या होगा, जो भी आपके बाल टैंगल्ड है वो सुलझ जाएंगे एंड आपके जो कर्ल्स है वो भी अच्छे आएंगे। सो मैंने यहाँ पर कोम कर लिया है। नाउ जस्ट आपको क्या करना है, इसे अपने हेड पे प्लेस करना है कुछ इस तरह से। अच्छे से आप एक बार इसे सेटल कर लीजिए अपने हेयर्स पे। इस तरह से कुछ मैंने इसे सेटल किया है। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली आपके हेयर्स लेने हैं इस तरह से, कोम करके ही आप लीजिए बिकॉज कोई कोई हेयर्स बहुत टैंगल्ड हो जाते हैं। एंड देन आप थोड़ा सा इसे ट्विस्ट दे दीजिए एंड देन अपने बालों में इस तरह से, मतलब जो टी शर्ट है वो इस तरह से इसमें रोटेट कर लीजिए। सो आप ट्राई कीजिए आपके बाल थोड़े से इसमें फिट हो, बिकॉज फिर रात को सोते वक्त आपके बाल निकल भी सकते हैं। सो देन जब आपने एक सेक्शन इसमें ऐड कर लिया है कुछ इस तरह से, सो आप एक सेक्शन ऐड करने के बाद आप इसमें एक दूसरा सेक्शन अपने हेयर्स का इस तरह से मिक्स कर दीजिए
एंड देन इसको भी कोम कर लीजिए एंड थोड़ा सा ट्विस्ट देके थोड़ा सा ट्विस्ट देके अपने बाल इसमें इस तरह से फिट कर ले। सो आप जब इधर कर रहे होंगे तो आपका सेक्शन थोड़ा हिल भी सकता है। सो जब आप इसमें अंदर टक कर रहे रहोगे तो आप प्लीज यहाँ से पकड़ लीजिए, वरना फिर ये पूरा आपकी जो भी कॉइल्स है वो ये मिक्स हो सकते हैं। सो आप यहाँ से एक और जब आप एक एक टकिंग कर रहे रहोगे अंदर, सो आपको एक एक सेक्शन ऐड करना है इसमें। सो आपको ये भी इस तरह से फोम कर लेना है एंड देन आप इसे भी ट्विस्ट कर लीजिए। इसमें भी आप इसे टफिंग कर लीजिए कुछ इस तरह से। नाउ आप थोड़े से और बाल ले लीजिए एंड देन से कोम कर लीजिए। एंड देन इनको ट्विस्ट दे दीजिए। इस तरह से इस तरह से आपको अपने सारे बाल अंदर कर लेने हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एक सेक्शन हो चुका है एंड नाउ आई विल जस्ट क्विकली डू द अदर सेक्शन। सो सेम तरीके से आपको अपने हेयर एक लेना है एंड जरा सा आपको ट्विस्ट देना है। देन आपको आपके बाल टक इन कर लेना है इस तरह से एंड देन आपको आपके बाल और लेना है अनदर सेक्शन एंड देन जस्ट कॉम इट ट्विस्ट इट। ट्विस्ट इसलिए मैं करने बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो टक इन करने के लिए। सो कुछ इस तरह से सेक्शन ऐड कीजिए एंड कॉम कीजिए। सो गाइस जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है एंड अच्छे से बाल टकिंग भी नहीं होंगे, बट आप ट्राई करते रहना एंड जब आप रेगुलरली करोगे इसे सो आपको आदत हो जाएगी एंड आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। मैं अनदर सेक्शन लूंगी जस्ट करूंगी गाइस। तो मैंने अच्छे से इसे रोटेट कर लिया है एंड आप कुछ इस तरह से बॉबी पिन्स यूज कर सकते हो। सो जो लास्ट का पार्ट आपका बचेगा उसे आप इस बॉबी पिन से सिक्योर कर सकते हो। सो गाइस सी दिस विल बी द रिजल्ट आफ्टर डूइंग दिस एंड ये कुछ चिड़िया का घोंसला लग रहा होगा बट दिस इज वर्थ इट। आप जब मॉर्निंग में उठ के देखोगे ना आपके बाल सुपर कर्ली हो गए एंड स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है बट फिर आपको आदत हो जाएगी एंड नाउ दिस स्किप इट ओवरनाइट एंड देन
इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको मॉर्निंग में पता चलेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप. बाय बाय. सो सी यू इन मॉर्निंग. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. सो गाइस, ये आप देख रहे होंगे कि मेरा चेंज कैसे हो गया सब कुछ. सो ये मैंने जस्ट इसको स्टेबल करने के लिए लगाया था, बिकॉज फिर बाल बहुत ज्यादा है डिले हो जाते हैं. एंड नाउ जस्ट क्विकली मैं सारे पिंस रिमूव कर देती हूँ. सो गाइस, मैंने सारे पिंस निकाल दी है एंड जस्ट क्विकली मैं यहाँ का रबर बैंड निकाल दूंगी जो हमने टाई किया था टी शर्ट के ऊपर. तो रबर बैंड निकल चुका है एंड जस्ट होल्ड द टोस एंड जस्ट फ्लिप इट अप. सो इस तरह से जस्ट इस तरह से आप बाल निकाल लीजिए एंड जस्ट थोड़े शेक कर लीजिए एंड थोड़ा आगे करके भी आप इन्हें शेक कर लीजिए. So guys, here are my curly hairs. See guys, super curly. You can see here. अब बस ये थोड़े से ज्यादा उलझ चुके हैं. So अब बस सिंपली इन्हें comb कर देना and ये बहुत ही सही लग रही है. My God. वैसे तो मुझे curly hairs नहीं पसंद, but ये जो बेबी हेयर्स होते ना कुछ इस तरह से, आई लव इट दिस वन. ओ माय गॉड. सो गाइस, मैं फटाफट से जस्ट सिंपली अपने हैंड से इन्हें कोम कर लूंगी, या फिर आप थिक कोम लेके अच्छे से इसे कोम कर लीजिए, ताकि जो रात भर आपके बाल उलझे हैं उन्हें अच्छे से एक स्मूथनिंग कर लीजिए आप कोम करके. गाइस, तो मैंने कोम कर लिया है एंड फटाफट से मैं स्प्रे कर लूंगी अपने हेयर्स पर. सो हियर आई हैव अ हेयर स्प्रे. सो ये आपकी कर्ली हेयर्स जो भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो उसे सेटल करने के लिए, उसे लॉन्ग टर्म तक, मतलब पूरे दिन तक चलाने के लिए. जैसे कर्ली हेयर्स जो है वो नीचे से, मतलब पूरे अभी स्ट्रेट हो जाएंगे धीरे धीरे. सो फटाफट मैं इन्हें स्प्रे कर दूंगी ताकि ये जैसे है वैसे ही रहे. ओके गाइस, सो ये आर माय कर्ली हेयर्स. सो गाइस, वर्थ इट है. पूरी रात इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके आप इस तरह से आपकी कर्ली हेयर्स. सो गाइस, अगर आपको मॉर्निंग में उठ के कहाँ जाना है, इफ यू आर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, या फिर आप स्कूल में तो लाइक प्लेस बांधनी पड़ती है, बट इफ यू आर ऑफिस गोइंग गर्ल्स, तो मॉर्निंग आप रात भर ऐसे कर लीजिए एंड मॉर्निंग में उठ के आप इस तरह से आपके बाल सिर्फ आपको कोम कर लेने हैं एंड जस्ट एक स्प्रे कर लेना है ताकि वो सेटल रहे दिन भर. एंड यू कैन जस्ट गो आउट लाइक दिस, सिंपली नो हीटिंग टूल्स ऑन योर हेयर्स, बिकॉज वो आपके हेयर्स को डैमेज कर सकते हैं. मैं स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेटनिंग यूज करती थी, मेरे ऑलरेडी बाल स्ट्रेट थे, बट आई वॉन्ट दैट माई हेयर शुड बी सुपर स्ट्रेट. सो मैं स्ट्रेटनिंग यूज करती थी. आई ऑल्सो यूज कर्लिंग टूल्स, बट जब मुझे रियलाइज हुआ क्या जैसे मैं उन्हें यूज करी हूँ, मेरे जो स्प्लिट एंड्स है वो बढ़ते थे, प्लस मेरे बाल ब्रेकआउट होते थे, वो भी मिडल से, नॉट रूट से,
बीच में से भी टूटते थे एंड बहुत ज्यादा बाल फ्रिजी हो जाते थे बिकॉज हम बार बार हीटिंग मैं बार बार हीटिंग टूल्स अपने हेयर्स पे यूज करती थी. सो वो सब कुछ मैंने अवॉइड किया है एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस. सो अगर मुझे मॉर्निंग में कहाँ जल्दी से जाना है फॉर कॉलेज एंड फॉर कहाँ पर भी, तो मैं जस्ट नॉर्मली अपने हेयर इस तरह से ट्राई कर लेती हूँ एंड दिस इज माई लुक. सो आई होप यू लाइक दिस एंड आई होप यू विल डू दिस एंड आई जस्ट लव इट. माई गॉड. सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी या फिर आप चाहते हो मैं और भी ऐसे तरीके बताऊं आपको कर्लिंग के, सो आई हैव मेनी मोर एंड इफ यू नो, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या मैं और भी कोई ट्रिक्स बताऊं कर्ली हेयर्स करने के बिना हीटिंग टूल यूज किए हुए. एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबको शेयर कीजिए एंड फ्रेंड्स फैमिली एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.